हाय एवरीवन, कुकुत अप्पू में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेथी मलाई पनीर की रेसिपी। बहुत ही पॉपुलर डिश है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम इसे बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो थोड़ा सा येलो या ऑरेंज कलर की ग्रेवी होता है, दूसरा थोड़ा व्हाइट कलर की ग्रेवी होता है। आज मैं व्हाइट कलर की ग्रेवी में बनाने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कैसे बना सकते हैं ऑरेंज कलर की ग्रेवी में। इस रेसिपी को आप ड्राई मेथी के साथ भी बना सकते हैं, जिसे हम कसूरी मेथी बोलते हैं, या फिर फ्रेश मेथी के साथ भी बना सकते हैं। आज मैं फ्रेश मेथी के साथ बनाने वाली हूँ। बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनता है इसका। इस रेसिपी के साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ मैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। आप यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बटर भी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर और घी से ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 हरी इलायची, 2 लौंग, आधी तेज पत्ता, साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 2 छोटे साइज के प्याज को रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 12 से 15 काजू। इसके साथ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शुगर और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अगर आप व्हाइट ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो शुगर ऐड करें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में, या फिर तब तक पका लेंगे जब तक अनियन थोड़ा सा कलर चेंज कर दे अपना। इसके बाद हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और ढक के पका लेंगे तब तक जब तक सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम में पकाने के बाद देखिए अच्छे से सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम खड़े मसाले इसमें से निकाल लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रहेंगे तो ग्रेवी थोड़ा डार्क कलर का बनेगा। अब हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और इसके बाद अच्छे से पीस लेंगे और इसको साइड में रख देंगे, बाद में यूज करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप यहाँ पे बटर या तेल कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। यहाँ पे आप सा जीरा भी ले सकते हैं, जो हम बिरयानी में डालते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 7 से 8 काली मिर्च और साथ में ऐड कर रही हूँ 6 से 7 हरी मिर्च को जीरा लगा के। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो कम ले सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको लो फ्लेम में पका लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। अब हम इसमें काजू और अनियन का प्यूरे डाल देंगे, जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे एक उबाल आने तक। इसके बाद 2 बड़े चम्मच दही इसमें फेंट के डाल देंगे। ग्रेवी को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। ध्यान रखें कि दही खट्टा ना हो और उबाल आने के बाद डालें, और इसको फेंट के डालना बहुत ज़रूरी है। दही डालने के बाद लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में पकाएंगे एक उबाल आने तक। इसके बाद हम फ्लेम को लो पे रखेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम लो पे रख के इसको ढक के पकाएंगे तब तक जब तक इसमें से तेल सेपरेट होने ना लगे। 6 से 7 मिनट बाद देखिए थोड़ा सा तेल दिखने लगा है ऊपर। अब ग्रेवी रेडी हो चुका है। इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में रख रही हूँ पकने के लिए ढक्कन डाल के। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। आप चाहे तो तेल या घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 कप के बराबर मेथी के पत्ते, काटने के बाद 2.5 कप है। मेथी के पत्ते को अच्छे से साफ करके धो ले ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह होता है वो निकल जाए। अगर आपके बच्चों को कड़वा लगता है मेथी के पत्ते तो नमक वाले पानी में 10 से 15 मिनट तक डाल के इसको छोड़ दे, इसके बाद धो के यूज़ करें, ज़्यादा कड़वा नहीं लगता। वैसे भी मलाई डालते हैं तो उसके वजह से कड़वा लगता ही नहीं सब्जी। इसमें हमें सिर्फ मेथी के पत्ते लेने हैं, स्टेम नहीं डालना है इसमें। अब मैं इसमें 2 पिंच नमक डाल के इसको लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी, जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए। यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने ग्रेवी में नमक डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे उतना ही नमक डालना है जितना कि मेथी के लिए और पनीर के लिए चाहिए। देखिए मेथी का सारा पानी सूख चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे भी पका लेंगे। इससे क्या होगा, मेथी का सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा और नमक भी आ जाएगा पनीर में। यहाँ पे मैं होममेड पनीर का यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी चेक करने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। पनीर को हल्के हाथों से पलटें, नहीं तो पनीर टूट सकता है।
दो से तीन मिनट बाद देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आ चुका है पनीर में, मेथी का कलर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और एक हल्का सा खुशबू सा आने लगता है इसमें से, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके साइड में रख देंगे इसको और ग्रेवी को चेक कर लेंगे। ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है लो फ्लेम में। अब हम इसमें पनीर और मेथी को ऐड कर देंगे। व्हाइट कलर की ग्रेवी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता है। अगर आपको ऑरेंज कलर की ग्रेवी बनानी है तो जब हम प्याज को फ्राई करते हैं थोड़ा ब्राउन करके उसको फ्राई करना है, इसके बाद पानी डालना है। और जब हम जीरा और हरी मिर्च डालते हैं तेल में, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसके साथ एक टमाटो को ग्राइंड करके उसमें डाल देना है। मसाले जैसा उसको अच्छे से पका लेना है और बाकी की चीज़ें सेम रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप क्रीम। यहाँ पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, घर का जो मलाई होता है। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्रीमी और रिच ग्रेवी बनता है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, बहुत ही टेस्टी बनता है। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं और एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।